इस वीडियो पे अपन बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो लोग तुमको सबसे पहले तो ब्लॉक कर देते हैं, तुम्हारी कोई कदर नहीं करते हैं, उसके साथ साथ वो तुम्हारे इमोशन के साथ खेलते हैं, चाहे तुम एक उनसे दोस्ती में हो, चाहे तुमसे एक रिलेशनशिप में हो, चाहे उनसे तुम इंस्टाग्राम पे मिले, चाहे तुमसे फेसबुक में मिले, कहीं पे भी मिले भाई, तुम लोगों ने कम्युनिकेशन स्टार्ट की, उनका पहले जो तुम्हारे पे इंटरेस्ट था वो कुछ टाइम बाद वो टोटली बदल गया, और तुम्हें फिर बाद में पता चला कि वो इंसान जिस इंसान से तुम दिल लगा के बैठे थे, जिस इंसान को अपना सच्चा दोस्त मान के बैठे थे, वो तो तुम्हारा सगा नहीं निकला। इस वीडियो पे अपन ये सारी चीजों को डेप्थ में समझेंगे मेरे भाई। इस वीडियो पे मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि ऐसे लोग जो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं करते, जो तुम्हारी कोई कदर नहीं करते, तुम्हें हर टाइम ब्लॉक अनब्लॉक में उलझा के रखते हैं, जब वो लोग तुमको खुद से मैसेज कर दें या तुम्हें खुद से कॉल कर दें, एक ऐसे सिनेरियो पे या एक ऐसे माहौल पे जहां पे तुम धीरे धीरे उन चीजों को एक्सेप्ट करके उभरना शुरू हुए थे, लेकिन उन्होंने तुम्हारे जख्म में और ज्यादा मिर्ची लगा दी, खुद से फोन करके, खुद से टेक्स्ट करके, और तुम्हारे सामने उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली, या उन्होंने तुमसे कहा कि भैया जो हुआ सो हुआ, हमको एक कम्युनिकेशन आपसे स्टार्ट करनी है, आपसे बात करना चाहते हैं, जो पहले था उसको शुरू करना चाहते हैं, या अगर हम पहले बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड थे तो हम ऐसे दोस्त रहेंगे। ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए भाई, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में जहां तुम्हारी हालत इतनी बेकार हो गई है भाई कि तुम उस इंसान को भुला नहीं पा रहे, और तुम खुद अंदर ही अंदर चाह रहे हो कि वो इंसान तुम्हें एक बार मिल जाए कैसे ना कैसे कॉल या टेक्स्ट पे, और तुम उससे कन्वर्सेशन शुरू कर दो और वो इंसान तुमको खुद मिल गया, खुद से उसका कॉल टेक्स्ट आ गया, तुम इतने खुश हो जाते हो कि भैया क्या सिग्नल मिला है, मेरी तो जिंदगी धन्य हो गई कि उसने मुझे खुद से मैसेज कर दिया, कॉल कर दिया, अब मैं उससे बात करने वाला हूं। मेरे भाई अगर तुम ऐसे सिचुएशन में हो, अब दो चीजें तुम्हें यहां पे बताऊंगा मैं वीडियो पे, वो लोग तुम्हें क्यों कॉल करते हैं खुद से या खुद क्यों मैसेज करते हैं इतने टाइम गुजरने के बाद, पहली चीज, और साथ में तुमको एक चीज और बताऊंगा तुम्हारा उनको रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, ये भी मैं तुझे बताऊंगा वीडियो पे, पूरे के पूरे बने रहना क्योंकि ये डेप्थ वीडियो है मोस्ट डिमांडेड टॉपिक पे। दोस्त वो लोग तुमको मैसेज या कॉल इसीलिए करते हैं कुछ टाइम गुजरने के बाद, या किसी भी साल में, किसी भी महीने में, किसी भी दिन में, क्योंकि उनको एक चीज पता है मेरे भाई कि तुम जो हो ना, तुम उसके लिए अभी भी तड़प रहे हो, उसको पता है कि तुम अभी भी अनब्लॉक होने के लिए उम्मीद लगा के बैठे हो, उसको पता है कि तुम अभी भी उसकी वैल्यू करते हो, उसको पता है कि तुम अभी भी उसके नाम की माला जपते हो, उसको पता है कि तुम उससे सेक्सुअली या कह लो फिजिकली कनेक्टेड हो, कहीं ना कहीं तुम्हें उसकी चाहिए भैया, उसको वो चीज पता है, और जबकि उसको वो चीज पता है तो वो इंसान तुमसे सिर्फ अपना काम निकालना है। मेरे भाई होता क्या है ना, ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो लोग किसी से दिल लगाते नहीं है, वो लोग किसी से फीलिंग अटैच करते नहीं, उनका बस काम होता है एक चीज करने का, उनको कूल बनना अपनी लाइफ में, उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ कन्वर्सेशन करनी है, ज्यादा से लोगों का रिलेशनशिप में रहना है, ज्यादा लोगों से दोस्ती रहना है, सो दैट वो ये चीज शोकेस कर पाए भैया सबको कि भाई मेरे बहुत दोस्त रहे हैं, मेरे बहुत सारे बॉयफ्रेंड या मेरे से बहुत सारी गर्लफ्रेंड रही हैं, और ये मैसेज देखो उनका, मैंने उनको ऐसे ऐसे तड़पाया तो देखो आज भी मेरे पीछे घूम रहा है, क्योंकि भाई ऐसे लोग तुम्हारे इमोशन का बस फायदा उठाते हैं भाई, वो तुमसे अगर वो जान लें कि तुम पैसे में अच्छे हो तो तुमसे बोलेंगे भाई ऐसा करो, तुम भाई मेरे लिए प्लीज रिचार्ज करा दो, तुम प्लीज मेरे लिए ये कर दो, मॉनेटरी बेनिफिट्स मांग लेंगे, अगर तुम फिजिकली अच्छे हो मेरे भाई ठीक है तुमसे फिजिकल बेनिफिट मांग लेंगे, ये बता के कि मेरे यार मेरी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें मैं फंस गया था या मैं फंस गई थी, तो इस वजह से मुझे तुम्हें ब्लॉक करना पड़ा, जिस वजह से मुझे तुम्हारी वैल्यू नहीं कर पाए क्योंकि मुझे एक अच्छा इंसान मिल गया था, उस इंसान ने भी मुझे धोखा दे दिया, वो तुम्हें अपनी इमोशनल बातों में ऐसा फंसाते हैं मेरे भाई कि तुम फंसते चले जाते हो, फंसते चले जाते हो, क्योंकि मेरे भाई एक चीज समझ तू यहाँ पे, दुनिया में जो रोना है ना, रोना या झूठे आंसू बहाना या झूठे तरीके की सिचुएशन क्रिएट करना बहुत आसान है मेरे भाई ठीक है, उसके लिए कुछ पैसा नहीं लग रहा, ये सबसे आसान चीज है दुनिया में, जो लोग तुम्हें इमोशनली फूल बना रहे हैं मेरे भाई, वो अपनी बातों को कवर अप कर रहे हैं इमोशनली, क्योंकि उनको पता है कि तुम उनसे इमोशनली कनेक्टेड हो। अब यहां पे तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए इस पे आते मेरे भाई ठीक है, देख एक चीज समझ मेरी, यहां पे है तू, तुझे वो इंसान यहां बुला रहा है यहां पे, अब तू अगर यहां पे जाएगा मेरे भाई तो एक चीज समझ, तो अगर तू वहां पे जाएगा कैसे ना कैसे, तू कितना अपने आप को बोल ले कि भाई मैं सख्त लौंडे हूं, मैं सख्त लौंडिया हूं, जो भी बोल ले तू अपने आप को, तू एक भूल करने वाला है, वो भूल ये करेगा कि तू उसे इमोशनल
कनेक्शन वापस बनाना शुरू कर देगा, क्योंकि तुझे लगेगा वो इंसान तेरी लाइफ में वापस आ रहा है। अगर तुम एक रिलेशनशिप में, तो तुम्हें लगेगा वो एक्स मेरे लाइफ में वापस आ रहा है, आ रही है। तुम्हारा कोई दोस्त है, तुम्हें लगेगा वो दोस्त मेरी लाइफ में वापस आ रहा है या आ रहा है। ठीक है, इस चक्कर में तुम फंस के कुछ ऐसा कर दो कि मेरे भाई की तुम्हारी लाइफ में तुम्हें हमेशा इस चीज का मलाल रहेगा कि भाई मुझे धोखा मिला तो मिला था, लेकिन अभी मेरा फिर से एक बार और चूतिया कट गया। अपना कटवाओ मत मेरे दोस्त, क्योंकि यहां पे तुम इनिशिएटिव मत लो। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की तो चीज होती है ना मेरे भाई। किस इनसी देखो, जब तुम्हारे दिमाग में यह है कि तुम्हें उसे टेक्स्ट करना है, कॉल करना है, कुछ भी करना है, एक चीज अपने दिमाग में लेके आना, जिस इंसान ने तुम्हारे ऊपर थूक दिया था, तुमको थूक दिया था अपनी लाइफ से, उस इंसान ने वापस वहां पे थोड़ा सा और थूक दिया, तो क्या तुम एक ऐसे इंसान में हो जो थूक के चाटना पसंद करता है, या सुअर जब टट्टी खाना चाहता तुम वो काम कर रहे हो भाई, तुम भी उसके साथ सुअर बन रहे हो, क्या तुम्हें वो बनना है? सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की तो चीज होती है ना मेरे भाई। अगर किसी इंसान ने तुम्हारा चूतिया काट दिया, तुम्हें लल्लू बना दिया, तो ठीक है ना भाई, तुम लेसन सीखो, उस इंसान से लाइफ से आगे बढ़ो। तुम उस इंसान के पास वापस जा रहे हो, अगर तुम उस इंसान के पास वापस जा रहे हो ना मेरे भाई, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम पास्ट में वापस जा रहे हो भाई, पास्ट में। और तुम पास्ट कभी बदल नहीं सकते, एक चीज मेरी बात दिमाग में घुसेड़ लेना अपनी, चाहे तुम कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो अपने आप में, चाहे तुम एक लड़की चाहे लड़की कितना भी कॉन्फिडेंट हो, पास्ट कोई बदल नहीं सकता मेरे भाई। पास्ट होता है भूलने के लिए, पास्ट में तुम वापस जा रहे हो। क्या तुम्हें लगता है पास्ट में वापस जाकर तुम कुछ उखाड़ सकते हो, कुछ बदल सकते हो? कुछ भी नहीं बदल सकते भाई। पॉजिटिव रहो और प्रैक्टिकल रहो। पास्ट को तुम बदल नहीं सकते हो, वो तुम्हें पास्ट में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि उनका तुमसे कुछ मतलब है अपना, उनको तुमसे अपना कुछ काम निकालना है। तो तुम एक खिलौना मत बनो जिसको कोई भी इस्तेमाल करे, और जब काम निकल जाए तो तुम्हारे इमोशंस का उनको कोई फिक्र ना हो, तुम्हें वो उठा के फेंक दे, या वापस मैं एक सिंपल वर्ड में तुम्हें थूक दे वापस, वो काम मत करो भाई। अपने अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट को जिंदा रखो, सेल्फ रिस्पेक्ट बे, सेल्फ रिस्पेक्ट। समझ आ रहा है मेरी बात? चैनल को सब्सक्राइब मार, अगर वीडियो पसंद आ गया तो ठीक है मेरे भाई। और प्लेलिस्ट में मैंने वीडियोस डाल दिए हैं, अच्छे अच्छे भयंकर वीडियोस, जाओ प्लेलिस्ट देखो, बाड़ो फाजा मेरे भाई। चल।